ये कहानी शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है उस जमाने की जब गोल्ड का बहुत रश था। गोल्ड के पीछे पूरी दुनिया पागल थी। एक आदमी जिसका नाम बैरल था, वो बैरल नाम का आदमी कोलोराडो नाम के शहर की बड़ी सी गोल्ड माइन में काम करता था। वहाँ पर उसे एरिया लोकेट किया गया हुआ था जहाँ पर इक्विपमेंट्स लेके खाली हैमरिंग करने का, क्योंकि वहाँ पर मशीनरी का जमाना नहीं था। इसलिए उसे अपने इक्विपमेंट्स लेकर पूरे दिन हैमरिंग करने का और फिर बाद में शाम को घर चले जाने का। लेकिन करीबन 2 साल से वह यही काम कर रहा था। उसने सोचा, अब कुछ मिला तो है नहीं, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, मैं ये जॉब क्वाइट कर देता हूँ। इसलिए उसने अपने सारे इक्विपमेंट्स वहाँ जाके इंजीनियर को सबमिट कर दिए और कहा कि अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। इंजीनियर ने बोला ओके। दूसरे ही दिन एक नए आदमी को वहाँ शिफ्ट करा गया। नए आदमी को वही इक्विपमेंट्स दिए, उसने भी वही काम करना शुरू किया। करीबन 3-4 घंटे उसने काम करने के बाद एक आवाज़ आई जिससे पूरी माइन स्तब्ध हो गई, पूरी माइन चौंक गई कि ये क्या मिला, और इकट्ठा हो गई और देखा अंदर से कुछ मेटल की आवाज़ आई। और वहाँ हैमर करने के बाद मालूम पड़ा 1 टन गोल्ड अंदर से निकला, 1000 kg गोल्ड अंदर से निकला। दोस्तों, ये कहानी है बहुत छोटी सी, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वो गोल्ड भी एक ड्रीम्स की तरह है। हमारे ड्रीम्स एक गोल्ड की तरह है, तभी तो हम उसे सोचते हैं। वह ड्रीम्स को हासिल करने के लिए, वो गोल्ड को हासिल करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। उसी के वे में हम लोग सारे डिसीजन और डिफ़िकल्टी सहन करते करते आगे बढ़ते। लेकिन जब आप फिनिशिंग लाइन पे होते हैं तब हमारी कठिन परीक्षा होती है। तब यदि हम ऐसा कहते हैं अपने आप को कि भाई यह सब बहुत कठिन है, अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए रहने दे, तू नहीं कर सकता। और अगर अपने आप को यह कहते हैं कि भाई अब तो नज़दीक ही है, अब कुछ कर दिखाएगा, अब तो हो गया, बस इतना कह दिया और आगे बढ़ गए, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं।